हेलो फ्रेंड्स, आज हम योनो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लाइव देखेंगे विथ ब्रांच विजिट ऑप्शन से। मतलब कि हमारा अकाउंट SBI बैंक में पहले से है पर कभी योनो ऐप यूज नहीं किया है, तो न्यू योनो रजिस्ट्रेशन विथ अकाउंट डिटेल्स अप्रूव्ड बाय ब्रांच प्रोसेस को लाइव देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका अकाउंट SBI बैंक में है तो आपके पास SBI बैंक का ऑफिशियल योनो SBI ऐप होना ही चाहिए। इस ऐप से आप बिना बैंक जाए अपने SBI अकाउंट का 90% काम घर बैठे कर सकते हैं। अगर आपने इससे पहले कभी भी योनो ऐप यूज नहीं किया है तो इसको कैसे रजिस्टर करते हैं उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके दो तरीके हैं। पहला, अगर आपके पास ATM कार्ड है, मतलब डेबिट कार्ड है, तो आप घर बैठे अपने न्यू योनो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इसका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। आज हम बिना ATM कार्ड के योनो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे, मतलब कि ब्रांच जाके इसको अप्रूव करवा के वहाँ न्यू योनो कैसे रजिस्टर कर सकते हैं उसको लाइव देखेंगे। तो इसके लिए आपको आपका अकाउंट नंबर पता होना चाहिए और आपका डेट ऑफ बर्थ पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो बैंक में आपका नंबर रजिस्टर है वो नंबर आपके मोबाइल में हो और उसमें रिचार्ज हो, तो आपका प्रोसेस इजीली हो जाएगा। तो चलिए लाइव प्रोसेस करते हैं। प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में सर्च करेंगे योनो SBI। आप ये इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, योनो SBI बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल। इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करेंगे, फिर यहाँ पे परमिशन जो भी मांगेगा इसे अलाउ कर देंगे। रजिस्टर नाउ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद इसे अलाउ करेंगे। फिर आपके मोबाइल में जो भी सिम होगा, जो आपके बैंक से लिंक होगा, आप वहाँ पे इसे टच करेंगे। अगर आपके मोबाइल में दो सिम लगा है तो आपका जो भी बैंक से लिंक है सिम 1 या सिम 2 उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल में रिचार्ज होना ज़रूरी है। अगर आपके मोबाइल से मैसेज नहीं जा पा रहे, ये मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज ज़रूर कर लें, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपके मोबाइल से एक मैसेज भेजेगा, ये टाइमर यहाँ पे चालू हो जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट योर SBI इंटरनेट बैंकिंग। तो आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यस आई एग्री पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखते हैं, रजिस्टर फॉर योनो विथ माय ATM कार्ड और रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स। अगर आपके पास ATM कार्ड है वो अगर एक्टिवेट है तो आप घर बैठे कर सकते हैं, और अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है या आपने अभी जस्ट अकाउंट ओपन करवाया है तो आप रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, फिर बाकी बैंक से उसे अप्रूव कराना होता है। तो हमारे पास अभी ATM कार्ड नहीं है तो हम रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर फॉर योनो विथ माय ATM कार्ड का भी वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। रजिस्टर विथ अकाउंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का शो करेगा, इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ब्रांच का नाम शो कर देगा। आपको जो भी यहाँ पे ब्रांच का नाम शो कर रहा है आपको उसी ब्रांच में जाकर उसको एक्टिवेट कराना होगा। बेसिकली आपका जो ब्रांच है उसी का नाम यहाँ पे शो होता है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP जाएगा। आप दोनों में से कोई सा भी एक OTP यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, उसके बाद इसे सबमिट करेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका नाम शो करेगा, यहाँ पे आपके अकाउंट का जो CIF नंबर होता है उसका लास्ट का 4 अंक आपको यहाँ पे देखेगा। आपको यहाँ पे अपने ट्रांजेक्शन राइट्स को सेलेक्ट करना है कि आपको व्यू देखना है कि लिमिटेड करना है या फुल करना है। मेरा सजेशन होगा कि आप फुल पे क्लिक करें ताकि आप अपने पूरे अकाउंट को मैनेज कर सकें इस ऐप से। तो हमने यहाँ पे फुल पे क्लिक किया, उसके बाद इसे नेक्स्ट करेंगे। फिर आपको यहाँ पे एक यूज़र नेम बनाना है और एक लॉगिन पासवर्ड बनाना है। यहाँ पे जो लॉगिन पासवर्ड रहता है ये टेम्पररी रहता है, इसको बाद में रीसेट करना होता है, लेकिन जो यूज़र नेम रहता है वो परमानेंट रहता है। तो आपको जो यूज़र नेम बनाना है वो अपने हिसाब से बना लीजिएगा। आप चाहे तो कुछ इस तरह का भी यूज़र नेम बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बना लिया SBI फिर 23। आप चाहे तो कुछ भी नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपना नाम लिख दिया, SBI का है वो S कैपिटल मैंने रखा, जो मेरा नाम है उसका मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा है। आप चाहे तो कुछ भी स्मॉल कैपिटल रख सकते हैं, यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड मत करिएगा। और यहाँ पे आपको एक लॉगिन पासवर्ड बनाना है, ये टेम्पररी होता है लेकिन फिर भी इसको ये आप कहीं पे लिख लीजिएगा। कम से कम 8 कैरेक्टर का होता है और जिसमें कुछ नंबर होंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर रहेंगे, कुछ कैपिटल और कुछ स्मॉल रहेंगे, सबका मिक्सअप एक पासवर्ड आप बनाएंगे। आप चाहे तो इस तरह का भी एक पासवर्ड बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे korba@2023 बनाया। आप चाहे तो इस टाइप का भी पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद इसे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, चाहे तो इसे गूगल में सेव कर सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल करके यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं विजिट, फिर यहाँ पे ब्रांच नेम लिखाया है, ब्रांच विथ द अबव रेफरेंस नंबर विथ इन द नेक्स्ट 7 डेज एक्टिवेट योर योनो यूजर ID। तो आपको 7 दिनों के अंदर में अपनी ब्रांच विजिट करना है, जो भी यहाँ पे ब्रांच का नाम दिख रहा है आपको वहीं जाना है। वहाँ पे आप जाएंगे, रेफरेंस नंबर उनको दिखाएंगे,
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपके टेक्स्ट मैसेज और ईमेल पे भी ये रेफरेंस नंबर आ जाता है। फिर हम अपने ब्रांच पहुंच गए, हमने वहां पे फिर इसे शो किया, ये रेफरेंस नंबर हमने बैंक में जा करके दिखाया, उन्होंने वहां से उसको प्रोसेस किया। और जैसे ही उन्होंने प्रोसेस किया, देख सकते हैं मेरे को एक मैसेज आया जहां पे लिखा हुआ एक्टिवेशन कोड फॉर योनो रजिस्ट्रेशन, उसके बाद करके एक OTP दिया है, दिस कोड इज वैलिड फॉर 30 मिनट्स, डू नॉट शेयर विथ एनीवन। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये एक OTP मिल जाता है जो कि 30 मिनट के लिए ही वैलिड होता है, आधे घंटे के लिए ही वैलिड होता है। तो आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड बनाया था उसको साथ में लेकर के बैंक जाएं या कहीं पर लिख लें ताकि ये आप भूल ना सकें। फिर आप इस OTP को कहीं पर लिख लीजिए या याद कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको योनो ऐप को ओपन करना है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा बैक हो जाता है, मतलब ये पूरा फिर स्टार्टिंग से हमें ये प्रोसेस करना होता है। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, अपना सिम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसे नेक्स्ट करेंगे, या आपके मोबाइल से एक मैसेज भेजेगा, उसे वेरीफाई करेगा, आपके सिम को वेरीफाई करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव एन एक्टिवेशन कोड लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे इसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम डालना है जो आपने बनाया था, और यहाँ पे आपको लॉगिन पासवर्ड बनाना है जो आपने बनाया था। यहाँ पे रेफरेंस कोड है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, बैंक एम्प्लॉय अगर इसे प्रोसेस करते हैं तो लोग अपना डाल देते हैं, नहीं तो आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ लास्ट में आप देख सकते हैं एक्टिवेशन कोड, जो आपको अभी अभी टेक्स्ट मैसेज पे आपको जो कोड आया था उस कोड को आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है। ये 30 मिनट के लिए ही वैलिड होता है, तो आपको इसका याद रखना है, इसे 30 मिनट के अंदर में आप इसे प्रोसेस कर लें। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद और कोड डालने के बाद इसे नेक्स्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेसफुल, यू हैव सक्सेसफुली एक्टिवेट योर अकाउंट ऑन योनो, गो टू योनो होम पे क्लिक करेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे यहाँ पे यूजर नेम दिख रहा है और यहाँ पे न्यू पासवर्ड बनाने के लिए बोल रहा है, वो जो हमने पासवर्ड बनाया था वो टेम्प्रेरी पासवर्ड था। तो आपको फिर से एक 8 कैरेक्टर का कम से कम पासवर्ड बनाना है, जिसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर होंगे, कुछ नंबर्स होंगे, कुछ कैपिटल होगा, कुछ स्मॉल होगा। आपका नाम डाल दीजिए, फर्स्ट कैपिटल रखिएगा, उसके बाद @ डाल दीजिए, फिर आपका यहाँ पे जो भी मंथ चल रहा है, जैसे जनवरी 2024 चल रहा है तो 0124 ऐसा करके भी आप पासवर्ड एक बना सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पासवर्ड बना सकते हैं। उसके बाद चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक 6 अंकों का MPIN बनाना है। फिर आपको यहाँ पे एक 6 अंकों का MPIN बनाना है, जिससे आप अपने योनो ऐप को इजिली ओपन कर सकते हैं, बार बार आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे 10, 20, 30 या 70, 80, 90 या आप जो भी चाहें अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे एक MPIN बना लेंगे, उसके बाद इसे नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपके नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे टाइप करेंगे, उसके बाद इसे नेक्स्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, इस पे ओके पे क्लिक कर देंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा योनो SBI ऐप ओपन हो चुका, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने अकाउंट में बैलेंस जो भी है उसे यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ हमने बैक कर दिया और इसे लॉग आउट कर दिया। उसके बाद आप जब फिर वापस से अपने योनो ऐप को ओपन करेंगे, आप यहाँ पे अपने MPIN से भी ऐप को ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप अपने यूजर नेम और पासवर्ड डाल के भी इसे लॉगिन कर सकते हैं। बाकी MPIN से ये काफ़ी इजी हो जाता है, तो हम यहाँ पे अपना MPIN डाल देते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यह हमारा ऐप ओपन हो चुका है, और अब आपका यहाँ पे सक्सेसफुली योनो ऐप रजिस्टर हो चुका है और ये ओपन हो चुका है। अब आप अपने SBI योनो ऐप को यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। बाकी इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। अगर आपको बैंक जाने का टाइम नहीं है तो आप बिना बैंक जाए भी योनो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ATM कार्ड होना चाहिए, उसका वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।